राय बरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में पांडेपुर गांव से बाहर नहर में गांव के ही 48 वर्षीय राम मालक सिंह का संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ। संदिग्ध शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची, जिसके बाद शव को नहर के बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि राम मालक सिंह मनरेगा में काम करते थे, कल शाम को घर से निकले थे। देर रात जब घर वापस नहीं आए तो लोगों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन वहीं कुछ पता नहीं चला। सुबह लोगों ने नहर में शव देखा तो सभी के होश उड़ गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर राम बालक सिंह के साथ हुआ क्या है, आखिर नहर में डूब कर मौत हुई है या फिर किसी ने हत्या करके नहर में शव फेंक दिया है। फिलहाल पूरी घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। ये शव ग्रामीणों द्वारा पता चला, नहर में जो है डूब के राम बालक सिंह मृत हो गए, तो पता चला, सूचना मिली तो पहुंचे, देखा तो क्या करते थे, इनका क्या नाम है? इनका नाम राम बालक सिंह है, मनरेगा में मजदूरी करते हैं। इनके बच्चे बच्चे हैं? बच्चे इनके 3 लड़कियां थी, 2 की शादी हो गई, 1 15 साल की लड़की है।